ट्रेडर और इन्वेस्टर, आज हम स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग की दिल दहला देने वाली दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं, जहां पर आपका पोर्टफोलियो है, मनी फ्रीडम है और भारी मात्रा में मैथमेटिक्स का जादू है। लेकिन अपने दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि हम यहां पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल स्ट्रेटजी की ओर जा रहे हैं, जिसके अंदर स्टॉप लॉस नाम की चिड़िया गायब रहने वाली है। सिर्फ और सिर्फ एंट्री और एग्जिट का खेल होने वाला है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, हम रिस्क और रिवॉर्ड के उच्च दाव वाले खेल में उतरने वाले। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि आज मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ने वाला है। कमजोर दिल वाले वीडियो को यहीं पर छोड़ दे। ऊंची उड़ान और बुलंद हौसले रखने वाले दोस्त मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहे। तो मैं हूं आपका दोस्त VM और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन इसके अंदर अगर मैथमेटिक्स का तड़का लगाया जाए तो ये बिल्कुल बच्चों का खेल बन जाता है। बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, यहाँ पर आपका जिगरा बड़ा और इसके साथ साथ आपके अंदर चार्ट एनालिसिस करने की स्किल होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी नसें स्टील की होनी जरूरी। देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप बिना स्टॉप लॉस ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसका सही तरीका आपको सीखना जरूरी, और आज मैं आपको वही तरीका सिखाने वाला हूँ। उसे आपने अगर सही ढंग से सीख लिया तो आप बहुत ही बड़ा वाला प्रॉफिट जो है वो बना सकते हो। जैसे कि आज तक आपने 10,000 से 1 करोड़, 1 लाख से 20 करोड़, 25 करोड़ तक के पोर्टफोलियो बनाने के तरीके कहानी में सुने हो, लेकिन अगर आप ये थियरी सीख लेते हो तो आपकी कहानी भी बिल्कुल उसी तरीके की बन सकती। ये स्ट्रेटजी हर किसी के बस की बात नहीं, इसीलिए हम हर ट्रेडर को इसे आजमाने से पहले बाजार की पूरी खबर रखने की सलाह देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के साथ चलना चाहूंगा ताकि आपको इसका मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है और वहां से मैं जो है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये 1 लाख रुपए को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड भी मैं कुछ ऐसे सोचे समझे बगैर नहीं करने वाला हूँ। इसमें हम थोड़ा सा लगाते हैं मैथमेटिक्स का तड़का, जिसके लिए आपको यहाँ पर दिखाया गया टेबल जो है उसे समझना जरूरी। यह टेबल के हिसाब से अगर आप देखने जाओगे तो अगर आप 5% लूज करते हो अपने कैपिटल का, तो आपको रिकवर करने के लिए 5.3% गेन करना पड़ेगा, तब जाके आपकी कैपिटल जो है वो ब्रेक इवन पर आए। और अगर मान लो कि 10% आप लूज कर जाते हो तो आपको 11.1% फिर से गेन करना पड़ेगा अपने ब्रेक इवन पर आने के लिए। और अगर मान लो कि आप 15% का लूज कर देते हो तो आपको 17.6% जो है वो गेन करना पड़ेगा और तब जाके जो है वो आप ब्रेक इवन पर आओगे। अब इससे आगे मुझे जो है वो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम 20% आप कैपिटल का लूज कर देते हैं ना, तो पानी जो है वो सर से ऊपर चला जाएगा और ये हमारे वित्तीय तंदुरुस्ती के लिए अच्छी बात नहीं होती। अब जो है वो यहाँ पर हम अपनी कैपिटल के हिसाब से एक लॉट साइज जो है उसे तय कर लेते हैं, ताकि आगे चल के हमें पता रहे कि हमें एक ट्रेड के अंदर कितने कैपिटल के साथ जो है वो एंटर होना है। यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेज है, 5%, 10% और 15%, मगर मैं जो है वो बीच वाले के साथ जाना चाहूंगा, यानी कि 10% के साथ, ताकि मैं जो है वो वित्तीय तंदुरुस्ती के साथ अच्छे से ट्रेड कर पाऊं। आप इनमें से 5%, 10% या 15% कोई भी चूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर अपनी कैपिटल का एक 10% का टुकड़ा जो है वो देख लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी लॉट साइज जो है वो मेरे कैपिटल के हिसाब से कितनी बन रही है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट क्या करना है, देखो मेरा जो कैपिटल है वो है 1 लाख रुपीज, तो यहाँ पर मुझे जो है वो 1 लाख को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से और उसको डिवाइड कर देना है 100 से, ताकि मुझे जो है वो अपने कैपिटल के हिसाब से मेरा एक लॉट साइज जो है वो मिल जाए।
अगर मैं ये कैलकुलेशन यहाँ पर करता हूँ तो मेरा आंसर जो आता है वो आता है 10,000 रुपीज, यानी कि 10,000 रुपीज जो है वो मेरा एक लोट का साइज है, यानी कि मेरा एक ट्रेड करने के लिए 10,000 का मुझे यूज करना है। अब मैं जो है वो अपनी कैपिटल को यानी कि 1,00,000 रुपीज को इसकी 10,000 से जो है वो डिवाइड कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई मेरा जो यहाँ पर लोट साइज बना है वो कितने टुकड़े हो गए। तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10, यानी कि मेरे पास मेरे कैपिटल के कितने पार्ट्स हो गए, 10 पार्ट्स हो गए, जिससे मुझे जो है वो ट्रेड लेने हैं। और ये जो 10 पार्ट्स है वो 10,000 के रहेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं जो है ये 10 पार्ट्स में से भी एक पार्ट्स जो है उसको कर दूंगा रिजर्व फंड, यानी कि वो मैं रिजर्व में रख लूंगा और सिर्फ 9 पार्ट्स के साथ जो है मैं अपना ट्रेडिंग के लिए मैदान में उतरूंगा। तो ये तो हो गया हमारे कैपिटल का मैनेज। अब चलते हैं ट्रेडिंग की दुनिया में और जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे करोड़पति बनने का रास्ता जो है वो बन रहा है। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर सच्चाई यही है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अब मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करता हूँ कि आपको एक एक्सेल शीट पे ले जाता हूँ जहाँ पर हम जो है वो पूरा कैलकुलेशन सीखेंगे। हालांकि मैंने पहले से एक्सेल शीट बनाई हुई है तो आपको उसके अंदर जो है वो सारी चीजें समझाता जाऊंगा और धीरे धीरे आपको जो है वो पूरी कहानी बताऊंगा कि किस प्रकार से हम जो है वो इस जरिए से इस स्ट्रेटजी से करोड़पति बन सकते हैं और अच्छा सा पोर्टफोलियो जो है वो क्रिएट कर सकते हैं छोटी सी छोटी कैपिटल से भी। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके एक्सेल शीट के ऊपर, तो इस एक्सेल शीट को जो है वो अच्छी तरीके से समझ लेते हैं ताकि आपको जो है वो पूरी स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी का मैथमेटिक्स जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अब जो है मैं एक्सेल शीट को फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो दोस्तों इस एक्सेल शीट के अंदर ना मैंने 3 शीट का यूज किया है। अब ये 3 शीट का यूज कैसे वो समझ, एक है मेन ट्रेड रिपोर्ट और BAZ, एक है एग्जिट ट्रेड रिपोर्ट और एक जो है वो है BAZ रिपोर्ट वैल्यू। तो ये 3 शीट जो है वो मैंने एक ही तरीके से बनाई है। अब ये जो मेन ट्रेड रिपोर्ट है ना वहां पर मैं जो भी ट्रेड ले रहा हूँ वो सारे ट्रेड जो है उसको लिखूंगा और ये जो एग्जिट ट्रेड रिपोर्ट है वहां से मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी के अंदर एग्जिट करना है। और ये जो तीसरी वाली सीट है ना वो मुझे बताएगी कि भाई मेरा पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो कितना बना है आज के दिन तक। और इसके साथ साथ मुझे जरूरत पड़ेगी एक BAZ कैलकुलेशन सीट की, जिसे भी मैं पहले ऑलरेडी जो है वो बना चुका हूँ, जहां से मुझे पता चलेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी जो है वो ली है उसमें से एग्जिट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ट्रेड करने के लिए 9 पार्ट्स है 10,000 के और एक पार्ट जो है 10,000 का वो मैंने रख दिया है रिजर्व फंड के। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों मान लो कि मेरे पास जो 9 पार्ट्स है ना वो 9 पार्ट्स के लिए मैंने 9 स्टॉक अच्छे से एनालिसिस किए चार्ट के ऊपर टेक्निकल और फंडामेंटली भी मैंने उसको अच्छी तरीके से जो है वो एनालिसिस किए। उसके बाद में वो 9 के 9 स्टॉक के अंदर एंटर हो गया, यानी कि मैंने वो 9 स्टॉक बाय कर लिए। तो यहाँ पर अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये 9 के 9 स्टॉक जो है वो 0 हो जाएंगे उसकी संभावना कितनी है। और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि ये जो 9 स्टॉक मैंने बाय किए हैं वो 9 के 9 स्टॉक जहां से मैंने बाय किए यानी कि मेरी जो बाइंग प्राइस है वहां से कभी भी लाइफ में कभी भी ऊपर नहीं आएंगे उसकी संभावनाएं कितनी है। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप में से कई दोस्तों ने सोचा होगा, अब सोचने के बाद आपका जवाब क्या होगा पता है कि सर आप 9 के 9 स्टॉक 0 होने की जो बात कर रहे हो ना वो होने की संभावना सिर्फ 1% है और वो 0 ना होने की संभावना जो है वो 99% है और वो स्टॉक जो है वो
कभी ना कभी आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर चले जाएंगे उसकी संभावना भी बिल्कुल ऐसी ही है कि सर 1% चांस है कि उसमें से जो है वो स्टॉक आपकी बाइंग प्राइस के ऊपर कभी भी ना जाए, और 99% चांस है कि वो सारे स्टॉक जो है उसके अंदर आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाने के चांस बने, भले ही उसके लिए टाइम लगेगा पर चांस जो है वो तो बनेंगे। या फिर कई दोस्तों के जवाब ऐसे भी होंगे कि सर 9 के 9 स्टॉक जीरो हो जाएंगे उसकी संभावना तो नहीं है, हालांकि एकाध जो है वो जीरो हो सकता है लेकिन सारे स्टॉक जीरो हो जाएंगे उसकी संभावना बहुत ही कम है। हालांकि स्टॉक मार्केट है तो यहाँ पर अनिश्चितताओं का खेल होता है, तो हम जो है वो कभी भी 100% कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन इतना तो जरूर मान सकते हैं कि भाई ये होने की संभावना इतनी है और ये होने की संभावना इतनी, यही हो गए ना आपके जवाब। या फिर और भी कोई आपके दिमाग में जो है वो जवाब आ रहे हैं, अगर और भी आपके दिमाग में कोई जवाब आ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि उनका सॉल्यूशन जो है वो किस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। हाँ, तो अब हम जो है वो अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा क्योंकि हम 99% संभावना जिस तरफ है उस तरफ जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पर कुल 9 ट्रेड लेने हैं जिसका नाम ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई रख देते हैं, जो कि मैंने अपनी मेन ट्रेड रिपोर्ट पर स्टॉक का नाम लिख लिया है। अब मेरा सवाल होगा कि मुझे क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो यहाँ पर मेरा सीधा जवाब है एक पार्ट 10,000 है उसे आप स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो आपकी क्वांटिटी मिल जाएगी। एग्जांपल के लिए मान लो कि ए नाम के स्टॉक का प्राइस 100 रुपए है, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि आपकी क्वांटिटी हो गई 100। इसी प्रकार से मान लो कि बी नाम के स्टॉक का प्राइस चल रहा है 500, तो 10,000 डिवाइडेड बाय 500 जवाब आपका आएगा 20, यानी कि यहाँ पर ए नाम का स्टॉक हम 100 क्वांटिटी लेंगे और बी नाम का स्टॉक हम 20 क्वांटिटी में लेंगे। इसी प्रकार से सी डी ई एफ जी एच और आई का कैलकुलेशन कर लेते हैं एग्जांपल के लिए। तो मैंने यहाँ पर सारे ट्रेड में एंट्री ले ली और अब मैं इसमें से एग्जिट कब लूंगा और कितनी क्वांटिटी में लूंगा उसके लिए पहले तो मुझे चार्ट पर देखना पड़ेगा, एनालिसिस करनी पड़ेगी। पर एग्जांपल के तौर पर मान लो कि मेरे ट्रेड ए का टारगेट 115 रुपए है, बी का टारगेट 550 रुपए है, सी का टारगेट 240 रुपए है, डी का टारगेट 280 रुपए है और ई का टारगेट 525 है, एफ का टारगेट 700 रुपए है, जी का टारगेट 1400, एच का टारगेट 155 और आई का टारगेट 2700 लेकर चल रहा हूं। अब ये सारे स्टॉक के टारगेट एक साथ नहीं होने वाले। अब गेम का प्लान समझो, मैं 9 के 9 स्टॉक में कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखने वाला हूं क्योंकि मैंने अपने पूरी कैपिटल का स्टॉप लॉस पहले ही सेट करके रखा है 10%, यानी इसमें से अगर कोई भी स्टॉक जीरो भी हो जाता है तो मेरे कैपिटल का सिर्फ 10% ही जाने वाला है और वह होने के चांस भी सिर्फ 1% है। हालांकि यहाँ पर कई बार टाइम थोड़ा ज्यादा देना पड़ सकता है, फिर भी अगर मान लो कि कोई स्टॉक के अंदर मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही ज्यादा टाइम भी ले लिया है और कुछ कर भी नहीं रहा है तो मैं उस स्टॉक से एग्जिट लेना ज्यादा प्रीफर करूंगा। जैसे कि ये 9 ट्रेड में मेरा जी नाम का स्टॉक 2-3 महीने से कुछ नहीं कर रहा है और 950 से 980 के बीच ही काम कर रहा है तो मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा अगर ऊपर की चाल नहीं दिख रही है तो। अब आपको लगेगा कि सर अगर हम जी नाम के स्टॉक में से 950 में एग्जिट हो जाते हैं तो हमारा लोट साइज तो खराब हो गया, वो पार्ट तो अब हमारा सिर्फ 9,500 का हो गया, तो यहाँ पर आपको काम आएगा आपका रिजर्व फंड जो हमने गेम के स्टार्टिंग में रखा था, उसमें से 500 उठाने हैं और हमारे लोट साइज को
फिर से 10,000 कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर गेम हमारा प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। अब आ जाते हैं एग्जिट क्वांटिटी के ऊपर। मान लो हमारे ए ट्रेड का टारगेट होने जा रहा है जो कि हमने रखा है 115 रुपए और उसकी क्वांटिटी है 100। हमें जाना है अपने BAZ कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पर हमारा लोट साइज का कैपिटल फिल कर देना है जो कि है 10,000 और हमारी बाइंग प्राइस फिल कर देनी है जो यहाँ पर है 100 रुपए और बाजू में जो कॉलम आ रहा है प्राइस का वहां पर हमें फाइंड करना है 115। तो यहाँ पर जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिल गया 115। यहीं पर बाजू में एक स्क्वेयर ऑफ क्वांटिटी करके भी आपको कॉलम दिख रहा है जिसमें लिखा है 86। यानी हमें 100 में से 86 क्वांटिटी ही एग्जिट करनी है। तो अब आपको यहाँ पर लगेगा कि सर ये कैलकुलेशन जो है वो किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने जो है वो ऑटोमेटिक सीट बनाई हुई है तो मुझे तो यहाँ पर मिल गया। पर अगर आप भी इसी प्रकार से ढूंढना चाहते हो तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कैलकुलेशन करना हो। तो यहाँ पर कैलकुलेशन दोस्तों नॉर्मल सा है। आपको क्या करना है कि आपकी जो कैपिटल साइज थी वो जो एक पार्ट बन रहा था वो बन रहा था 10,000 का, तो 10,000 डिवाइडेड बाय आपकी जो टारगेट प्राइस है उससे डिवाइड कर देना है ताकि आपको मिल जाएगा यहाँ पर आपको एग्जिट कितनी क्वांटिटी में कर। तो यहाँ पर आ रहा है 86.95 यानी कि 87 के आसपास जो है वो आपको क्वांटिटी एग्जिट करनी। अब हम आ जाते हैं एग्जिट ट्रेड रिपोर्ट वाली सीट। तो जैसे ही एग्जिट ट्रेड रिपोर्ट वाली सीट पर हम आते हैं तो आपको हमारे सारे ट्रेड जो है वो दिख रहे होंगे, पर क्वांटिटी वाली कॉलम बिल्कुल खाली। ये मैंने सिस्टमेटिक तरीके से बनाई हुई सीट है इसलिए। अब अगर हमें ए ट्रेड से 87 क्वांटिटी एग्जिट करनी है तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे कि भाई हमारा जो ए नाम का स्टॉक है उसमें से हम 87 क्वांटिटी जो है वो एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि वो 115 पे आ चुका है। और इसके अलावा जो क्वांटिटी बची है वो मैं अपने पोर्टफोलियो में रहने दूंगा। अब ये जो कैपिटल मेरा वापिस निकला है उससे मैं कोई और ट्रेड करूंगा और इसी प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलाता रहूंगा। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है पर दोस्तों यकीन मानो अगर आप ये साइकिल चलाना सीख गए ना तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ये साइकिलिंग के कारण मैंने बहुत तगड़ा वाला पैसा बनाया है बीते हुए कुछ सालों में। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपका कैपिटल आपके हाथ में रहेगा और साथ साथ आपको पोर्टफोलियो भी ग्रो करने में मदद मिलेगी। आपको कुछ सालों बाद इसका फल इतना जबरदस्त मिलेगा कि जो आपने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा। ये दोस्तों एक तरीके से अगर देखने जाओ तो आप क्या कर रहे हो कि आपके कैपिटल को मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके बाद जब वो स्टॉक बढ़ जाता है तो आप उसमें से अपना कैपिटल जो है वो वापिस निकाल लेते हो, बाकी का कैपिटल जो है वो मार्केट का है और मार्केट के पास ही रहने देते हो। तो मार्केट क्या करता है कि मार्केट आपको वो जो आपका स्टॉक बचा है जब बढ़ेगा तो उस टाइम पे आपको एक अच्छा सा जो है वो प्रॉफिट देकर जाएगा। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और भी है कि आपका मार्केट चाहे कितना भी ऊपर जाए तो आप खुश हो सकते हो और अगर मान लो कि नीचे आए तब भी आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता है क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो बना है वो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मार्केट के पैसों से बनाया हुआ है। यानी कि आपका उसके अंदर एक भी रुपया जो है वो नहीं लगा हुआ है तो आपकी साइकोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पर वर्क करती है। अभी मैं यहाँ पर हमारे 9 स्टॉक को उसके टारगेट के हिसाब से कैलकुलेट कर दूं तो कुछ इस प्रकार से मुझे अपनी पोजीशन से एग्जिट करना होगा। बी नाम के स्टॉक से 19 क्वांटिटी निकालना है,
सी नाम के स्टॉक से 42 क्वांटिटी निकालना है, डी नाम के स्टॉक से 36 क्वांटिटी निकालना है, ई नाम के स्टॉक से 20 क्वांटिटी एग्जिट कर जाना है, एफ नाम के स्टॉक से 14 क्वांटिटी जो है एग्जिट करनी है, जी का स्टॉप लॉस दिया था यानी वो पूरा क्वांटिटी जो है वो हमने यहाँ पर एग्जिट कर लिया है, एच के अंदर 65 क्वांटिटी एग्जिट करना है और आई के अंदर जो है वो 4 क्वांटिटी मुझे एग्जिट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप ऊपर देखने जाओगे तो 91,290 रुपीज जो है वो आपके वापिस आ रहे हैं, यानी कि 9 पार्ट के हिसाब से मैंने 90,000 रुपीज जो है वो मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किए थे, लेकिन यहाँ पर मेरा जो 9 पार्ट का पैसा था वो वापिस आ गया। अब आपको लगेगा कि सर यहाँ पर तो सिर्फ हमारे पास घूम फिर कर फिर से 1,00,000 ही बचे, तो अब आपको जाना है अपने BAZ रिपोर्ट वैल्यू वाली सीट में, जहाँ पर आपको अपनी पोजीशन प्रॉफिट के रूप में दिखेगी, जिसकी बाइंग कॉस्ट होगी 0। जैसे ही आप करंट प्राइस वाली कॉलम में करंट प्राइस फिल करते जाओगे आपको अपना पूरा वैल्यू ऊपर की ओर दिख जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 14,135, ये आपका प्रॉफिट के रूप में पोर्टफोलियो बना है और अब आपको इसे इसी प्रकार से करंट मार्केट प्राइस भरते हुए हर महीने चेक करते रहना है और दूसरे ट्रेड भी करते रहने हैं ताकि BAZ की वैल्यू धीरे धीरे और बढ़ती रहे। यकीन मानो दोस्तों अगर आप 5-10 साल इसी प्रकार से अपना ट्रेडिंग करते रहेंगे तो आपके पास एक अच्छे पोर्टफोलियो के साथ साथ पैसा भी होगा तगड़े। स्टॉक मार्केट में दोस्तों अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते हो तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप यहाँ पर अगर रेंडमली चलते हो, जैसे कि कभी ऑप्शन कर लिया, कभी फ्यूचर कर लिया, कभी इक्विटी में ट्रेड कर लिया, तो वहां पर आप कभी भी करोड़पति नहीं बनोगे, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ। यहाँ स्टॉक मार्केट में भी दोस्तों आपको वो शिवगामी देवी वाला जो डायलॉग था ना, मेरा वचन ही है शासन, वही वाला डायलॉग फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर भी आपको कोई ना कोई वचन लेना पड़ेगा कि मैं इसी प्रकार से इसी सिस्टम के साथ इसी अनुशासन के साथ ट्रेड करता रहूंगा, तभी आपको जो है वो मार्केट एक शासन करने देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर सिखाई गई थियरी आपको समझ में आ चुकी होगी और पसंद भी आई होगी। देखो दोस्तों कहीं पर पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप भी मेरी तरह इसी प्रकार की एक्सेल शीट बनाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर ये एक्सेल शीट किस प्रकार से बनती है वो समझाऊं। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की और भी थियरी, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आज ही इस कॉन्टेक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और MBT प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो का सफर यहीं तक था दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहते हैं। आखिर तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे और ट्रेडिंग भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को, तब तक के लिए बाय बाय।